वो शैपाली की पैरवी करती थी, यहाँ रहती थी, वो भी ख़त्म हो गई, वो मेरी मौसी भी ख़त्म हो गई, दोनों लोग पैरवी करते थे यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताएं मौसी कब आई थी यहाँ पे लास्ट टाइम में? मौसी 9 महीने हो गए हैं सर, 9 महीने से यहीं रहती थी, जब अच्छा से अच्छा ये झूठे मुकदमे में इन्होंने महेश को अंदर कराया, तब से तब से मौसी मौसी यहाँ यहीं पे रहती हैं थी। परिवार के साथ। जी सर, तो इसमें दुर्घटना में पूरी तरह से आप लोग शंका है कि षड्यंत्र है? षड्यंत्र नहीं, सीधा मर्डर है सर, मर्डर है। षड्यंत्र करके मर्डर कराया गया सर। अब सीबीआई जांच खैर मान ली है सरकार, क्या कुछ उम्मीद है न्याय मिलने की? सर सीबीआई पे मुझे पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। भरोसा है? हाँ, मीडिया पे ही, सीबीआई पे ही तो भरोसा है सर, और तो मुझे सरकार पे तो कोई भरोसा तो नहीं है सरकार पे सर। कोई भरोसा नहीं, नहीं है? बीजेपी सरकार पे हमको कोई भरोसा नहीं ना, क्योंकि हमारे घर से चार चार लहास जा चुकी है साल में इनकी सरकार में। इनसे मैं क्या उम्मीद करूं सर, इनसे मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ? मैं अप्लीकेशन देती हूँ, धमकियाँ मिलती हैं घर पे, धमकियाँ आके मिलती हैं, अप्लीकेशन देती हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी को, आदित्यनाथ को, सबको दिया मैंने, मेरी ये देखो आज मृतिक ने दिया है, तब भी कोई सुनवाई हुई? आज सुनवाई हो जाती तो इनके साथ लाह जिंदा बच जाते दोनों लोग, सुनवाई हो जाती टाइम से। कहीं कहीं सरकार की पूरी लापरवाही है। पूरी पूरी 100% लापरवाही है सर, सिर्फ इन लोगों को बचाने के लिए। और कुछ आप मांग करना चाहती हैं जी सरकार से, सर, केंद्र सरकार से, मोदी से मांग, योगी से नहीं है तो मोदी से कोई जी मांग? सर, मांग करना चाहती हूँ, जो इन मुकदमे लगे हैं महेश सिंह पे, सन 2017 में, 18 में, 19 में, ये फर्जी मुकदमे कुलदीप सिंगर के अज्ञात लोगों ने लिखवाया है, ये सब वापस लिए जाए पहले नंबर। और दूसरी मांग करती हूँ, जो महेश की साली थी उनको, उनके लड़के को सुरक्षा दी जाए, उसको नौकरी दी जाए सर, ये मैं मोदी जी से कह रही हूँ। अगर अब आँख खुल गई हो तो मोदी जी की, अभी तक तो नहीं खुली थी, अभी तक तो बस नेतन का कहना मानना था, क्योंकि आम आदमी का कहाँ सुनेंगे वो, बस जो कोई आवाज़ उठाए उसको दबा दो, रौंद दो, मार दो, छुटकारा कर दो, काम खत्म हो जाएगा, कौन लड़ेगा सर? मैं यही मांग करना चाहती हूँ सर, महेश को रिहा किया जाए। अब हमारे घर में कोई नहीं ना सर, ना मेरे घर में है, ना महेश की बीवी के बहन के घर में कोई है सर, उनको जो रिहा किया जाए, हमारे बच्चों को देखा जाए, मैं सरकार से यही मांग करती हूँ, अगर सरकार अब चाहे तो कर दे। बस आपके घर में आपके पिताजी नहीं हैं? कोई नहीं है सर, सिर्फ एक भाई है, बीवी है, तीन बहनें हैं, मेरी माँ के ऊपर सारा खर्चा था, वही सब घर चलाती थी, आज वो भी पीड़िता की पैरवी करते करते मरवा दिया साहब।